काफी सारे डीलर्स ऐसे जिन्होंने अभी तक बताया नहीं है कि उनके साथ स्कैम हो चुका है, लेकिन ये बताओ यार इसमें डरना क्या है, इसमें घबराना क्या है? कोई बंदा कार ओनर ही क्यों ना हो, कोई भी बोले कस्टमर डायरेक्ट गाड़ी का मालिक अगर आपको बोले कि इसको पेमेंट कर दो तो आपको एक बार सोचना है वो चीज। फिर बोल रहे फ्रेंड है और एक प्राइस नक्की करी थी कि ये प्राइस में आपको देनी है, मैं आपको ऊपर से 50,000 रुपए दूंगा, कस्टमर का ऐसा बोला। आप करोगे ट्रस्ट? नहीं भाई बंद करना पड़े, कस्टमर को भी झेलना पड़ता है कि भाई उसकी गाड़ी जा रही है, हमारे साथ तो नहीं हो सकता, ये तो पागल था, इसके साथ हो गया, हमारे साथ नहीं हो सकता जो कि इन्होंने किया। हाँ मेरे को ये मुझे ये स्कैम का पता चला था, हाँ। लेकिन मैंने गलती वही की, 2,80,000 की लग गई है इनको 2,80,000 की लगने के बाद यहाँ बैठ के आराम से हवा पेड़ के नीचे बैठ के वीडियो बना रहे हैं यार पैसे की क्या तुमको हंसी आ रही है कटवा दूंगा मैं कट कर परिवार ने प्रेम चालू कर हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो, माय नेम इज शुभम और आज का जो वीडियो है ना थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। एक्चुअली ये अवेयरनेस वीडियो है हम लोग बना रहे हैं बिकॉज रिसेंटली हमारे साथ मतलब जिनके मैं ज्यादातर वीडियो बनाता हूँ गौतम भाई पंचाल कार्स के पास और एक स्कैम हो गया है, और ऐसा नहीं कि उनके साथ अकेले में स्कैम हुआ है, ऐसे बहुत सारे डीलर्स हैं पूरे गुजरात में जो कि इस स्कैम में फंस रहे हैं। सिर्फ डीलर्स ही नहीं जो कस्टमर है वो भी फंस रहे हैं, तो मतलब कि जो भी सीन हो रहा है और किस तरीके से हुआ है तो सब चीजें बताएंगे और कौन कर रहा है ये भी बताएंगे इस वीडियो में, तो आप लोग इसमें ना फंस पाओ ठीक है। तभी मैं गौतम भाई और राकेश भाई जो हैं पंचाल कार के जो ओनर्स हैं उनसे बात करवाता हूँ एंड पूछता हूँ उनका क्या एक्सपीरियंस था और किस तरीके से जो ये काम हुआ है। तो भाई अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर करना और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि आपके जितने भी आसपास के लोग हैं अवेयर हो पाए कि इस तरीके के भी स्कैम जो है हो रहे हैं एंड सबको अवेयरनेस हो पाए कि भाई हमारे साथ हुआ है तो नेक्स्ट किसी और के साथ ना हो ये ठीक है। बाकी तो सब बढ़िया है, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस मेरे साथ अवेलेबल है ये तीनों लोग, इनके साथ स्कैम हुआ है। सो एक्चुअली हुआ कैसे स्कैम मुझे ये बताओ। तो हमारे सपोर्ट में है, हमारे साथ में स्कैम इनके साथ नहीं हुआ, हमारे साथ हो गया। तो ये दोनों हैं जिनके साथ स्कैम हुआ है एंड ऐसा लगेगा नहीं कि इनके साथ हो सकता है, काफी 10-12 साल से काम कर रहे हैं राइट इस इंडस्ट्री में आराम से ठीक है। तो उसके बावजूद जो स्कैम करने का जो तरीका है ना, हाँ वो काफी नया है, उसने एकदम यूनिक निकाला है। और इसमें हम लोग ने बड़ोड़ा के भी जब जहाँ तक मुझे पता है 6-7 डीलर की मुझे नॉलेज है कि 6-7 डीलर के साथ इतना हुआ है। तो मतलब हुआ कैसे, सीन कहानी क्या है, मतलब स्टार्टिंग कहानी मतलब जो हाँ फ्रॉड पहले से ही जो हो रहे थे OLX जैसे कोई भी अपने ऑनलाइन कार पोस्ट करते हैं तो इस हिसाब से वही तरीका है लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग है जहाँ कोई इजीली फंस सकता है कोई भी इंसान। तो आप कैसे फंसे? जैसे मुझे अभी रिसेंटली अपने ये शनिवार को कॉल आया मॉर्निंग में 11 बजे कॉल आया कि मैं पंचाल कार से बोल रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है, मेरे नंबर पे कॉल आया तो बोला मैं यहाँ हिम्मत नगर में ये नाम से मेरा डीलरशिप है, मैं भी डीलर ही हूँ आपकी तरफ है। मैं बोला ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरे यहाँ से आपके बड़ोड़ा का एक कस्टमर है, मेरे यहाँ से उसने एक क्रेटा कार ली है तो उसको बायबैक में एक आपको एक गाड़ी है 2018 मॉडल की सेलेरियो है। हाँ। तो GJ6 नंबर है जो मेहसाणा में हमारे यहाँ पे हिम्मत नगर में नहीं चलती है, मतलब कम चलती है वहाँ के नंबर के हिसाब से। तो फिर बोले आपको अगर चलती है वहां पे तो आप ले लो और जो कमीशन रहेगा जैसे कोई भी डीलर होगा कमीशन उनका रहता है, कमीशन आप मुझे दे देना, गाड़ी आप डायरेक्ट कस्टमर। तो उन्होंने मुझे दिया कस्टमर का नंबर, कस्टमर का नंबर दिया। हम लोग गए यहाँ से, कस्टमर से पहले फोन से बात करी, कस्टमर ने खुद ही अपना लोकेशन भेजा हमको जो कि यहाँ बड़ोड़ा में तांदेज एरिया में था। फिर हम लोग वहां पे गए कस्टमर के पास, गए घर पे, उनके घर पर ही गाड़ी थी, गाड़ी देखी, गाड़ी सही थी, गाड़ी का ट्रायल भी ले लिया, गाड़ी में कोई एक्सपेंस ऐसा लगा भी नहीं हमें। फिर गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी देखे, सारे डॉक्यूमेंट्स सही थे, कस्टमर के नाम पे ही गाड़ी थी, कस्टमर के नाम पर ही गाड़ी थी, गाड़ी भी सब एकदम मतलब कोई ऐसा डाउट करने की जैसे कोई वजह नहीं थी। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, यहाँ एक हुआ स्कैम इस तरह से स्टार्ट हुआ कि जैसे जिसकी गाड़ी थी तो वहां पे जो जिसने अपने आप को डीलर बताया उसने कस्टमर को मेरे से पहले कॉल किया था कि भाई ये गाड़ी आपकी जो सेल करनी है आपको, अगर ये गाड़ी सेल करने, मेरे एक फ्रेंड है बड़ोड़ा में उसने मुझे फ्रेंड बताया, हालांकि हम लोग फ्रेंड है नहीं, हमने पहली बार कांटेक्ट किया है, फिर भी कस्टमर को ऐसा बताया कि भाई ये फ्रेंड है मेरे। कस्टमर उसके बात में आके फिर बोल रहा है फ्रेंड है और एक प्राइस नक्की करी थी कि ये प्राइस में आपको देनी है, मैं आपको ऊपर से 50,000 रुपए दूंगा, कस्टमर को ऐसा बोला 50,000 रुपए एक्स्ट्रा, 50,000 रुपए उसने बोला कि मैं आपको एक्स्ट्रा पे करूंगा। हाँ
क्योंकि उसने कस्टमर को इस तरह से बताया कि भाई जो डीलर आ रहा है ना वो मेरे फ्रेंड है और जो आपकी कीमत है उससे मैंने ज्यादा उनको दी है। अगर समझो कि फॉर एग्जाम्पल 375 कस्टमर को बोला है ना, तो कस्टमर को बोला था मैं 4 लाख के ऊपर मैं इस डीलर को दे रहा हूँ, तो जो बीच में निकलेगा वो मेरा कमीशन निकल जाएगा। तो कस्टमर को भी लगा कि चलो कोई बात नहीं, वो भी कमाएगा 2 पैसे। हाँ, उस हिसाब से ठीक है। तो कस्टमर को उसने स्टोरी बनाने को बोला कि हाँ, भाई आप ऐसा बोलना कि आपने मेरे यहाँ से कोई एक कार खरीदी है जो कि ज्यादा ओवर बजट है, तो उस हिसाब से ये पेमेंट उसके अकाउंट में डाल सके, या फिर अकाउंट में तो नहीं डाले हमने, लेकिन यहाँ से उसने आंगनिया करवाया। आंगनिया क्या होता है जरा बता। आंगनिया मतलब एक जात का ये मतलब हवाला होता है, हवाला जैसे अपने यहाँ पे कहीं पे सबको पता है कि यहाँ पैसे दिए वहाँ मिल गए, कैश की जो लेन देन होती है, कैश की लेन देन होती है, जैसे कि हवाला हवाला बोलते हैं कि आप एक जगह गए वहाँ पर आपने कैश दिया और दूसरे उसी की ब्रांच में कहीं और पे दूसरे बंदे ने कैश वहाँ से दे दिया, 5 मिनट या 10 मिनट में आपको वही कैश मिल जाती है। हाँ, उनका जो भी रहता है प्रोसेसिंग फीस। तो इस तरीके का जो है सीन हुआ हुआ फिर हुआ कि मैंने कस्टमर को एक बार बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं, आपकी प्राइस सही है, कोई बात नहीं। और मैंने क्योंकि मैंने डील करी थी उन लोगों से, क्योंकि वो डीलर थे, उन्होंने बताया था कि हम डीलर हैं, तो उन्होंने बोला कस्टमर के साथ प्राइस आपको कुछ करना नहीं है, आपको जो भी है गाड़ी देख के फाइनल मेरे साथ करनी है। ठीक है, हम एग्री हो गए कि भाई वो भी डीलर ही है। ठीक है, फिर हम लोग उन्होंने मुझे बताया कि कस्टमर को आपको 30,000 रुपये अकाउंट में देने हैं। हाँ, और बाकी के जो बचे हैं 3,10,000 रुपये में हमको गाड़ी उसने दी। कस्टमर से कितने में करी वो कस्टमर के साथ बात हुई थी, हमारी बात हुई कि भाई 3,10,000 तो 30,000 कस्टमर के अकाउंट में और बचे 2,80,000। बोला है आप आरके आंगनिया, जैसे काफी सारे आंगनिया है अपने बड़ौड़ा में, HM आंगनिया वो सब, तो उसने आरके का नाम लिया, आरके आंगनिया में आप पेमेंट वहां जाके मेरे नाम से कर दो। तो उसने PM पटेल नाम बताया अपना, PM पटेल के नाम से, और उसने एक मोबाइल नंबर दिया, वो मोबाइल नंबर पे आप आंगनिया कर दो, यहाँ से रिसीव हो जाने के बाद मैं आपको गाड़ी की डिलीवरी वहां से दिलवा दूंगा। और हिम्मत नगर के आरके आंगनिया में हम लोगों ने यहाँ से आंगनिया कर दिया। लेकिन आंगनिया करने से पहले कस्टमर को हमने बोला ही कि हमारे पास कैश है तो तू कैश ले ले, लेकिन खुद कस्टमर ही उसकी बातों में इतना आ रहा है कि उसने मना किया कि नहीं वो जो भाई बोल रहे हैं वैसा करो। क्योंकि ये प्लस पॉइंट, ये जो स्कैमर है ना, प्लस पॉइंट उसका है वो कि कस्टमर को और डीलर को दोनों को अपने एकदम समझो कि ट्रस्ट में, पूरा ट्रस्ट में ले लेता है वो, कि ना तो डीलर उनसे खुल से बात कर सके कस्टमर से, भले ही दोनों आमने सामने है, लेकिन वो आमने सामने, क्योंकि डीलर ऐसा समझेगा कि मुझे ज्यादा देना होगा, कस्टमर ऐसा समझेगा कि अगर कुछ बात हो गई तो जो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, डील क्लोज हो जाएगी यहीं पे। लालच में आ गया, लालच मतलब लालच दोनों की तरफ से है, विश्वास और लालच। वो जो पीयूष पटेल है उसने कस्टमर को ऐसे बोला था कि डीलर को आप भरोसा दिलाने के लिए आप उनको ऐसे बोलना कि आप मेरे यहाँ से क्रेटा ले रहे हो, क्रेटा गाड़ी आपने ली है, तो डीलर को आप बोलना कि आपने मेरे यहाँ पे क्रेटा गाड़ी बुक की है, तो आप जो बाकी का पेमेंट है वो आप पीयूष भाई को दे दो। तो कस्टमर भी खुद उसकी बातों में इतना आता है कि वो बोल रहा है कि आप पीयूष भाई को कर दो। एक्चुअली पीयूष भाई नाम जो हमको स्कैम हो जाने के बाद पता चला है, तब तक उसने अपना नाम जीतू भाई दिखाया था। अच्छा, मुझे भी जीतू भाई बताया था, कस्टमर को भी जीतू भाई ही नाम दिखाया था उसने कि मैं जीतू भाई बोल रहा हूँ। नाम तो जब स्कैम हो जाने के बाद, जबकि काफी सारे डीलर्स की भी इसी नाम से हुई थी, लेकिन फिर उसके आईडी वगैरह सब कुछ हमारे पास आया कि भाई ये है जो असली स्कैमर है, उसका नाम पीयूष महेश भाई पटेल है और जो रहने वाला है विसनगर का, और सारे डॉक्यूमेंट्स है अपने पास। जो कि फिर हम कस्टमर से हमारी बात हुई, तो कस्टमर बोला यार, फिर जब आधा घंटा गुजर गए हम लोग आंगनिया करके आ गए कस्टमर के घर पे कि हम लोग चलो अभी गाड़ी की डिलीवरी ले लेते हैं। गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए गए, उस टाइम तक जो फ्रॉड था उसने मुझे कॉल किया कि बस मेरा बंदा रास्ते में है, जैसे ही पेमेंट आ जाता है आपको मैं वहां से डिलीवरी दिलवा देता हूँ। उसके लिए उसने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया खाली, जहां तक उसके हाथ में पैसे नहीं आ गए, जैसे ही पैसे आ गए उस बंदे ने अपना मोबाइल बंद कर दिया। फिर मैंने उसको ट्राई किया, नंबर बंद, दूसरे नंबर से बंद। फिर कस्टमर के घर पे ही हम लोग बैठे थे, फिर कस्टमर को बताया कि अगर आप क्रेटा लेने गए थे तो आपके पास उसका कोई अल्टरनेट या दूसरा नंबर होगा, या फिर आपने विजिटिंग कार्ड लाए होंगे। फिर कस्टमर थोड़ा सा घबराया, कस्टमर ने बोला कि क्या इस तरह से स्कैम हो सकता है? बोला भाई क्या स्कैम हो गया, हो सकता नहीं, हो चुका है अभी। अगर कस्टमर ने हमको
डील होने से पहले ही बता दिया होगा, पेमेंट देने से पहले भी बता दिया होता कि मैंने ऐसे OLX पे ऐड रखी है, कहीं भी रखी है, और वो जो सामने वाला बंदा है वो मेरे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आया है, तो हम लोग सामने से उसको एडवाइस करते हैं, हमको पता है ऐसा मत होते है। लेकिन कस्टमर, हम लोग इस भरोसे रहे कि कस्टमर ने गाड़ी देखी है, कस्टमर देख के गाड़ी वहां पे फाइनल करके आए, तो ये गाड़ी खाली एक्सचेंज में देनी है जो मैं ले रहा हूँ। लेकिन जब स्कैम हो जाने के बाद कस्टमर ने बोला कि एक्चुअली मैं जो वो डीलर है उसको मैं जानता नहीं, ना उसको मिला हूँ, बस खाली एक सिंगल नंबर है जिस मॉर्निंग में उससे बात हुई थी, जो कि उसने इतनी लालच दी थी, जैसे मुझे भी दी थी, समझो। वो सब ओनर ने पैसे जाने के बाद बताया। तब तक क्या हो, देर हो चुकी थी, पैसे वहां उसने कलेक्ट कर लिए थे वहां से, और फोन बंद कर दिया। फिर मैंने जितना हो सके जल्दी मैंने आरके आंगनिया में कॉल किया कि भाई ऐसा स्कैम हो गया हमारे साथ, तो आप वो पेमेंट अगर रोका सको तो वहां पे रुकवा दो। लेकिन उसने बोला आपने थोड़ी सी देर कर दी, 10 मिनट, वो बंदा वहां से पैसे लेके निकल चुका है। तो हम लोग बोले, मैंने ठीक है आप मुझे खाली वहां का CCTV फुटेज भेजिए जो बंदा पैसे लेके गया है, तो कोई बात नहीं। बोला विद इन 5 मिनट उन्होंने मुझे वहां की CCTV फुटेज भेज दी, और बंदा वही है जो यहां अभी जो नाम हम बताएंगे कि पीयूष महेश भाई पटेल, वो खुद बंदा वहां पे रिसीव करने आया था, पेमेंट रिसीव करके निकल लिया, फिर उसने फोन बंद कर दिया। फिर कस्टमर ने बोला कि चलो अभी क्या करें, अभी तो हम लोग साथ में कोई ना कुछ पुलिस कंप्लेन करेंगे। फिर हम दोनों कस्टमर और समझो दोनों की, ऐसे नहीं कि दोनों की गलती समझो आप, लेकिन ज्यादा गलती कस्टमर की होती थी, क्योंकि कस्टमर ने उसके भरोसे हमको झूठ बोला, थोड़े से लालच के चक्कर में उसने 50,000 ज्यादा होने के चक्कर में। ऐसा नहीं कि मेरे साथ ये हुआ, सेम सिस्टम, इसी सिस्टम से सारे डीलर जो भी यहाँ बड़ौदा के डीलर्स में चीटिंग हुई है ना, इसी सिस्टम से चीटिंग हुई है। मतलब नहीं है कि पीयूष ने सिर्फ यहाँ पे किया है, वो जो भी बंदा है बड़ौदा, आनंद, अहमदाबाद, राजकोट, गुजरात का कोई कोना नहीं छोड़ा है उसने, सभी जगह पे सभी डीलर है, सभी डीलर को ठगा है उसने। और मेन उसका प्लान वही है कि जो कस्टमर है उसको विश्वास में ले रहा है, और ये चीटिंग हो इजीली हो इसके लिए जाती है क्योंकि जो भी बंदे हैं ना वो आमने सामने डील कर रहे हैं। हाँ, खाली कस्टमर के बोले से वो पेमेंट थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, बस चीटिंग वहीं पे हो जाती है, कस्टमर के कहने पे दे रहा है जो भी डीलर है, वो ओनर खुद बोल रहा है पेमेंट इतनी बड़ी अमाउंट अगर कोई दे रहा है, क्यों, क्योंकि सामने उसके पास कस्टमर खड़ा है, गाड़ी का मालिक खड़ा है, तो वो उस ट्रस्ट पे उसको पैसे ट्रांसफर कर देता है कि भाई गाड़ी यहाँ पे, गाड़ी के पेपर्स यहाँ पे हैं, मालिक यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई फ्रॉड वाली स्कीम दिख नहीं रही, और मालिक खुद बोल रहा है कि आप जाके कर दो, तो फिर और सारा फ्रॉड बाहर कब आता है, जब उसका मोबाइल ऑफ होता है ना, उसके बाद अब जाके कस्टमर भी बोल रहा है कि नहीं यार ऐसा हो गया। फिर हम भी सोच रहे कि भाई ऐसा भी, हमको पता है ऐसा हो सकता है, लेकिन एक थोड़ा सा ट्रस्ट करने गए उसके चक्कर में पैसे गए, समझो कि अभी रिसेंटली मेरे साथ ये शनिवार को 2,80,000 रुपए का स्कैम हुआ है। काफी सारे डीलर्स है, जैसे अहमदाबाद भी हमारे फ्रेंड है, उनके भी काफी पैसे गए हैं, 2,00,000, 2.5 लाख, सब 2 लाख, 2 लाख से नीचे की कोई फिगर नहीं है। और ऑलरेडी जब हम लोगों ने जब पता किया कि क्या है, तो उसका आईडी सब कुछ हमारे पास आया, कस्टमर के पता चल गया कि हम दोनों के साथ स्कैम हो चुका है। वहां से कस्टमर बोला जितना हो सके जल्दी आप आंगनिया में कॉल करिए और जाते कोई नजदीकी पुलिस स्टेशन में। हम लोग गए पुलिस स्टेशन में, गए उस टाइम पे तो हम लोग अर्जी नहीं थी, हम लोगों ने थोड़ा सा हम लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए इसका, कि ये कौन सा केस है, साइबर क्राइम है कि क्या है। लेकिन फिर सोचने के साइबर क्राइम में भी हम गए थे, लेकिन वहां पे भी पता चला कि ये साइबर क्राइम नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं किया था हमारे केस में, जो कि काफी सारे डीलर्स ने किया है, किसी ने RTGS किया है ऐसा वैसा, वो साइबर क्राइम है, लेकिन हमारा जो साइबर क्राइम नहीं था। तो वहां पे भी जाके हम लोग रिटर्न आए, रिटर्न आने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए इसमें, क्योंकि दोनों की गलती, समझो कि दोनों की गलती है इसमें। तो फिर बोल रहे हैं कि अभी जो स्कैम हुआ है उसका कुछ ना कुछ तो अपने करेंगे इसका। जैसे नेक्स्ट डे हम लोगों ने फिर जाके पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने एक जो हमारे साथ जो हमने वीडियो में बताया ना, वही हम लोगों ने उनको लिख के एक कागज पे दे दिया कि भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ स्कैम हो गया। पुलिस ने हाँ ले ली, हमारी अर्जी भी ले ली, बोला देखिए हम आपको बुलाएंगे अभी थोड़ी डिटेल्स जानकारी के लिए, अभी देखेंगे आगे क्या होगा, पुलिस भी अपना काम तो करेगी। हालांकि ये हिस्ट्री चीटर है, हिस्ट्री चीटर रहा है, और जहाँ तक कि अगर मतलब होता है ना कि पैसे का अगर स्कैम होता है ना, तो मुश्किल ही होता है कि वो पैसा वापस आए। हाँ, वापस आने की उम्मीद तो बहुत ही कम है, बट हाँ एक उम्मीद है कि भाई पकड़ा जाए तो आगे वो स्कैम होना बंद हो जाए। नहीं तो ये वीडियो का जो पर्पस है ना, ये है कि हमारे साथ तो हो गया, और लेकिन अगर आप लोग देख रहे हो तो लालच, थोड़े से पैसे की लालच में आके अपनी गाड़ी ज्यादा में बेचने की लालच में आके ऐसा कोई किसी के थर्ड पर्सन पे जिससे आप कभी मिले नहीं हो, सिर्फ फोन पे बात हो रही है,
और बस उसने बोल दिया कि भाई इतना पैसा मैं तुम्हें दिला दूंगा, इतना उससे ले लेना और इतना पैसा मुझे ट्रांसफर कर दो। तो ऐसा कभी मत करना, जब तक कोई अगर तीन लोग अगर डील कर रहे हैं तो तीनों लोग वहां पर फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए। आपको पहला सबसे पहला डाउट वही करना है, अगर कोई भी आपको थर्ड पार्टी पेमेंट करने को बोल रहा है, हाँ, जिसके नाम के गाड़ी नहीं है कुछ नहीं, जो आपको मिला भी नहीं है, तो वहां पे आपको डाउट करना ही है, चाहे भले ही कस्टमर कार ओनर ही क्यों ना हो, कोई भी बोले, कस्टमर डायरेक्ट गाड़ी का मालिक अगर आपको बोले कि इसको पेमेंट कर दो, तो आपको एक बार सोचना है वो चीज कि भाई ये ऐसे क्यों बोल रहा है, उसकी कोई वजह, वहां से आपके क्वेश्चन जो है ना चार गुने कर दो, चार गुने कर दो और ना कस्टमर के अकाउंट में ही पैसा डालो, किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में पैसा डालो ही नहीं, चाहे भले ही कस्टमर गिर जाता रहे भाई कि इसमें डाल दो उसमें। अगर मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर भले ही कई सारे डीलर से करते होंगे, लेकिन एक बार के भाई हाँ चलो अभी जो भी अगर डील हो रहे हैं ना इसका एक वीडियो बना लो कि भाई कभी भी ऐसा, क्योंकि कभी भी हो सकता है कि कस्टमर भी हाथ खड़े कर दे कि भाई मैंने तो तुमको बोला नहीं था कि इसको पैसे दो, ऐसा भी हो सकता है, काफी सारे डीलर यही चीज हुई है। और अगर कस्टमर मुकर गया तो फिर भाई जो भी जितना भी नुकसान हुआ पूरा का पूरा फिर तुम्हारा ही होगा, डीलर का ही होगा नुकसान। तो इस वजह से ये वीडियो से अगर किसी के भी एक के भी पैसे बच गए, समझो स्कैम से बच गए, तो हमारा काम सफल है बस। तो बाकी यार आप जितना हो सकते उतना शेयर करो वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में कि भाई ऐसे ऐसे स्कैम होते हैं, थोड़े से पैसे की वजह से ज्यादा ना लो, किसी को भी ओटीपी शेयर मत करो, किसी का नंबर अगर कॉल आ रहा है तो ऐसे लास्ट में हम लोग लास्ट में मैं आपको उसके आईडीज देता हूँ, जो स्कैमर है ना लगातार, ऐसा भी नहीं है कि हमने वीडियो अभी भी हम वीडियो बनाए और लगातार वो कहीं स्कैम कर रहा होगा, अभी कर रहा होगा, हवाला ले रहा होगा अभी भी, ऐसा नहीं कि उसने बंद किया है, और बंदे की डेयरिंग भी बहुत है, वो वीडियो कॉल पे बात कर रहा है स्कैम करने के बाद, वो वीडियो कॉल भी दिखाऊंगा मैं आपको लास्ट में, वीडियो कॉल कर रहा है, उसके आईडी खुद के नाम से स्कैम कर रहा है, क्योंकि उसको किसी की परवाह ही नहीं है, ना ही उसको किसी का डर है, ऐसा लग रहा है उसके हिसाब से। और एक तरीके से ये लूट भी नहीं कर रहा है, ये एक तरीके से कस्टमर और डीलर अपनी मर्जी से पैसा उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ये इस तरीके से पोर्ट्रे हो रहा है, तो मतलब एक लूप होल जो है इसने निकाला है, जिसके थ्रू सिर्फ कस्टमर और डीलर ही फंस रहा है, अगर लड़ेंगे तो कस्टमर और डीलर ही कोर्ट में लड़ते रहेंगे, थर्ड पर्सन को कुछ होने का कुछ नहीं होना है उनको, तो ये सीधे हो रही है, फायदा उठा रहा है वो, फायदा उठा रहा है। तो जितना हो सके अगर देखो अगर हाँ हमको भी पुलिस से भी रिक्वेस्ट है कि अगर इस ये हिस्ट्री चीटर है, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पुलिस स्टेशन में होंगे ही, क्योंकि आगे भी ये बंदा पकड़ा जा चुका है, अभी फिलहाल बेल पर है ये, लेकिन बेल पर निकलने से चालू कर दिया इसने पूरा अपना पुराना काम चालू कर काम जो है उसने पूरा चालू कर दिया। आप सोचो कि ये तो डीलर है 10-12 साल से काम कर रहे हैं, तो इनके पास खुद का अमाउंट पड़ा होता है, लेकिन अब कोई नया कस्टमर नया बंदा है नया डीलर है जिसने लोन लेके काम चालू किया, और उसके साथ ही अगर ये स्कैम हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा उसको धंधा या तो बंद ही करना पड़े, हाँ हो सकता है ये भी बंद करना पड़े, कस्टमर को भी झेलना पड़ता है कि भाई उसकी गाड़ी जा रही है, पैसे भी नहीं मिल रहे, हाँ, गाड़ी जा रही है। और ये तो समझो कि अभी जो डीलर्स है ना जो हमारे जान में है उसका मुझे पता चला कि भाई इनका भी पैसे गए, इनका भी पैसे गए, काफी सारे डीलर्स ऐसे जिन्होंने अभी तक बताया नहीं है कि उनके साथ स्कैम हो चुका है, लेकिन ये बताओ यार इसमें डरना क्या है, इसमें घबराना क्या है, कोई बदनामी तो होने वाली है, हाँ, बदनामी नहीं हो रही, कम से कम आपके साथ आप, तो अगला बंदा सतर्क हो जाएगा, आप तो किसी को शेयर आप अगर 5 आदमी को बताओगे वो 10 को बताएंगे, हाँ, तो इससे ये काफी सारे आदमी बच जाएंगे, इससे बंद तो नहीं करवा पाएंगे अगर जब तक पकड़ में नहीं आता है, पुलिस में नहीं आता है तब तक, लेकिन आप कम करा सकते हो ग्रुप में, अगर आपके आसपास के ग्रुप में तो फैला सकते हो अवेयरनेस आ जाएगी, ग्रुप में भी अगर आपके में आता है कि भाई इधर ये स्कैम हो गया उधर ये स्कैम हो गया, तो कभी भी ओवर स्मार्ट मत बनो कि भाई हमारे साथ तो नहीं हो सकता, ये तो पागल था इसके साथ हो गया, हमारे साथ नहीं हो सकता जो कि इन्होंने किया। हाँ मेरे को ये मुझे ये स्कैम का पता चला था, हाँ, लेकिन मैंने गलती वही की कि आपने ध्यान नहीं दिया, बताया आपने कि भाई मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, हाँ, कि भाई सबके साथ हो रहा है मेरे साथ थोड़ी होगा, ये हमको ये स्कैम कैसे करता है वो डिटेल्स में पता नहीं थी, जैसे हमने हमारा टाइम निकाल के ये वीडियो बना रहे क्यों, क्योंकि पता चले कि वो कैसे चीट करता है, ये जो मैंने पूरी डिटेल्स में बताई आपको, ये जो भी वीडियो देख रहा है ना उसको सबको पता चलेगा, हाँ भाई ऐसे स्कैम हो सकता है, और इसमें कोई ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ है, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम था कि आप ओनर पे ट्रस्ट मत करो, जो कार ओनर बोल रहा है जिसकी गाड़ी आप देखने जा रहे हो उसके ऊपर ट्रस्ट मत करो, आप करोगे ट्रस्ट नहीं भाई ट्रस्ट करोगे अभी ट्रस्ट करेंगे लाने, लेकिन ओनर के अकाउंट में ही पैसा, ओनर के अकाउंट में ओनर के हाथ में पैसे देने के, थर्ड पार्टी में पैसे देने के ही नहीं, और आंगनिया वर्ड से थोड़ा दूर रहने का नहीं, अभी देखो डीलर्स ज्यादातर डीलर्स जो है ना आंगनिया से ही अपना व्यवहार करते हैं, हवाला सही चलता है, लेकिन इतना सतर्क होके चलना चाहिए, मतलब अंधा विश्वास मत करके चलो,
कि भाई तुम्हें विश्वास कर जाए कि हाँ अगर ये बंदा बोल रहा है तो सच ही होगा, ठीक है। तो नुकसान अगर अगर आया नुकसान तो वो भी पलट जाएगा भाई। हाँ, कोई भी बड़ा नुकसान दिख रहा है तो कस्टमर बोलेगा यार मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं, मैंने तो ऐसे बोले नहीं, हो सकता है। और काफी सारे डीलर के साथ यही हुआ है। उनको जीना पड़ रहा है। हमारा तो कुछ नहीं, हमारे कस्टमर से, कस्टमर ने अंडरस्टैंडिंग ही किया था, कुछ है नहीं हमारे, ऐसा नहीं कि मेरे कस्टमर से रिलेशन नहीं बिगड़े ना कस्टमर के मेरे साथ। लेकिन हम जो मिलके हम लोगों ने पुलिस कंप्लेन करी है कि भाई दोनों की गलती है और दोनों ने मिलके जाके पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में जाके उसकी FIR भी कर दी है। बहुत हेल्पफुल था, हेल्पफुल था, इसके लिए बच गए, वरना तो पूरा नुकसान बहुत उठाना पड़ जाता। तो गाइज ये था वीडियो, होपफुली आपको समझ में आया हो। अगर हो सके तो इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करो, अपने डीलर ग्रुप में काफी देना भाई, लास्ट में आपको पता चल जाएगा। और वीडियो कॉल में शायरिया मार रहा है भाई तो वो भी देखना, बिंदास है वो, इतना बिंदास है। तो समझ सकते हो कि क्या मेंटालिटी से काम कर रहा होगा। तो आप भी अपने हिसाब से समझदारी से काम लो, किसी पे भी अंधविश्वास मत करो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर जरूर करना सभी ग्रुप में, आपके फैमिली में, अगर शेयर करना, ये इतना हो सके उतना शेयर करना और कमेंट भी करना। आपके एक शेयर से किसी के भी पैसे बचते हो तो फिर भाई छोटा मोटा नहीं, दो दो लाख, तीन तीन लाख, ग्यारह ग्यारह लाख के होते हैं। अभी सुनने में आया था कि लास्ट वीक में उसने 1 करोड़ का किया, डेली के चार पांच चार, उसके एक है कि 2.5 लाख से नीचे का स्कैम नहीं करना है उसको, उसने ऐसा ठाना हुआ है। तो सोच सकते हो कि भाई आप कितना पावरफुल तरीके से चल रहा है। 80,000 उसकी लोएस्ट फिगर है, ये देख सकते हो। तो आप लोग थोड़ा डर के भी रहो, थोड़ा किसी पे विश्वास मत करो और अपने पे ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो कि आपसे तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, ऐसा कभी मत करो। और हो सके तो चलो कोई भाई अगर किसी के साथ हुआ है तो बाहर आए कि भाई मेरे साथ भी ऐसा स्कैम हुआ है, और कमेंट जरूर करना कि भाई तुम्हारे साथ हुआ है, कितने का हुआ है, जरूर ये कमेंट कर देना कि हमारे साथ भी हुआ था। हमारी जितनी यूनिटी होगी भाई तुम्हारे साथ भी हुआ है सबको, तो कुछ ना कुछ इसका निकलेगा, कभी ना कभी तो होगा। तो आप लोग मिलके ये चीजों पे ध्यान रख सकते हो कि अगर एक के साथ हो रहा है तो ग्रुप में बना लिया, ग्रुप बना दिया, ग्रुप में डाल दिया कि हमारे साथ हो रहा है, तो ये चीज से सावधान रहो। तो बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो। तो मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और कुछ मैं तो करूंगा अभी जैसे ही वीडियो हुआ, ज्यादा से ज्यादा 2,80,000 की लग गई है इनको 2,80,000 की लगने के बाद यहाँ बैठ के आराम से हवा पेड़ के नीचे बैठ के वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हम भी अपने लिए वीडियो नहीं बना रहे, सबके लिए ही बना रहे हैं कि अपने में तो बीत गई है, चलो उन्होंने झेल लिया, अब बाकी और लोग को ना झेलना पड़े। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे किसी को नहीं दिखाना कि भाई हाँ पंचाल कार में फ्रॉड हो गया, किसी को दिखाना नहीं, ऐसा दिखाना नहीं है, सामने आके दिखाऊंगा कि भाई हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। उसका शॉर्ट नेम क्या है, PM पटेल, फुल नेम है पीयूष महेश भाई पटेल। और अगर कोई हमारा वीडियो देख रहा है, अगर उसमें से कोई आंगनिया से रिलेटेड हो कोई भी बंदा, तो वो जरा इतना भी सतर्क हो जाए, उसके जितने भी कांटेक्ट में आंगनिया वाले हैं, हवाले वाले, उनको इतना बता दे कि भाई ये नाम से अगर आता है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाए कि भाई जिसने पैसे भेजे उसको एक बार इन्फॉर्म कर दे कि भाई ये जो है ना ये फ्रॉड हो सकता है, बिल्कुल, तो वो भी अपने हिसाब से ट्राई करे कि भाई नहीं भाई उससे भी बच सकते हैं। तो भाई किसी के भी चक्कर में मत आना कि अगर आपको 2 पैसे ज्यादा मिल जा रहे हैं तो इस चक्कर में बिल्कुल मत आना, ठीक है। जेन्युइन अगर डील होगी तो वहां पर इंसान आपसे पैसे कम कराने की ही कोशिश करेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि आपने 3 लाख बोला है तो आपको कोई 3.75 दे के चला जाएगा, ऐसा कोई महान आत्मा नहीं है, ठीक है। तो 3 के 2.5 दे के जाएगा, लेकिन जेन्युइनली वैसा ऐसी डील होती है, आमने सामने डील करो, ठीक है भाई। गाइस वीडियो इतना ही रखते हैं, होपफुली आपको अच्छा लगा हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भोलेनाथ। गाइस नेक्स्ट वीडियो भी इसके ऊपर आएगा जिसमें जिन लोगों के साथ हुआ है तो उन लोगों का एक छोटा सा बातचीत का किस तरीके से हुआ है, इस तरीके जैसे मेरे हिसाब से जो मेरे साथ जो हुआ है, स्टोरी सुनी है, दूसरे का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनाएंगे, बताएंगे किसके साथ क्या क्या हुआ है, बाकी आप शेयर करोगे। મારા બાપ ના હમ એમાં તો કોઈ ફેર નહીં।